किसी गाड़ी का पहला और दूसरा वजन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जिस गाड़ी का हमें वजन करना है उसको इस मॉनिटर पर या डिस्प्ले पर जितना शो होता है वो एक कागज़ में नोट कर लेना है रफ वर्क के लिए। और फिर इसके बाद हमें इसमें ये F1 दिख रहा है इस पर प्रेस करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके ज़रिए परचेज पर इस राउंड सर्कल को लाना है, और इसके बाद इसको भी एंटर दबा कर प्रेस कर देना है। इसके ऊपर व्हीकल नंबर के सामने गाड़ी का नंबर लिखना है, कस्टमर के सामने कस्टमर का नाम लिखना है या फिर जिस जगह से आया है उसका नाम लिखना है, जैसे कि न्यू सूर्या मिनरल्स। और इसके नीचे है मटेरियल, इसमें मटेरियल के सामने लिख देना है। अगर मटेरियल क्रस्टेन हो तो क्रस्टेन लिख दिया, या जो कुछ भी हो तो वो लिख दिया। फिर इसके बाद ग्रोस दिख रहा है, इस ग्रोस पर इन एरो कीज की सहायता से ले जाना है, और वहाँ पर ग्रोस पर ये एंटर का बटन दबा देना है। फिर इसके बाद इसमें ये मैनुअल है, मैनुअल पर एंटर दबा करके जो भी वजन है उसको लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पर ये लास्ट में सेव का जो बटन है उस पर एरो कीज की सहायता से ले जा करके वहाँ पर एंटर दबा देना है। तो इससे गाड़ी का पहला वजन हो जाएगा। और नोट, ये जो ऊपर जो RST नंबर दिया गया है उसको अच्छे से नोट कर लेना है। ये है गाड़ी का फर्स्ट वेमेंट, पहला वजन। और फिर इसके बाद एंटर। इसके बाद जब गाड़ी खाली हो करके आए तो उस जो RST नंबर उसमें था वो RST नंबर नोट करके रखना है। और फिर इसके बाद जब वो गाड़ी ऊपर लोड हो जाए तो हमें F2 पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद वो यहाँ पर RST नंबर पूछेगा, वो RST नंबर एंटर करके ये एंटर का बटन दबा देना है। तो वो RST उसमें जो भरा खाली सब वजन, नेट वजन सब कुछ शो होने लगेगा, और इस एरो की सहायता से ले जा करके प्रिंट पर ले जाना है, और इस एंटर से उसको प्रिंट को निकाल लेना है बस।